अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक। तो बिलाद आप भी, हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें मफ़ूल। मफ़ूल है क्या? एक सेकेंड। वालेकुम अस्सलाम। कटी हुई शाख हरी नहीं हो सकती। उसने सब पड़ा हुआ भुला दिया। तुम्हारा लिखा हुआ कौन पढ़े? तुम्हारा पकाया हुआ कौन खाए? ऊपर के मिसालों में कटी हुई, पड़ा हुआ, लिखा हुआ, पकाया, ऐसे इस्म हैं जिन पर कोई ना कोई फेल वाक्या हुआ है, मतलब कोई ना कोई काम वाक्या हुआ है। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इसमें मफ़ऊल कहते हैं। फिर देखिए कि कटी हुई शाख हरी नहीं हो सकती, उसने सब पढ़ा हुआ है, तुम्हारा लिखा हुआ कौन पढ़े, तुम्हारा पकाया हुआ कौन खाए। कटी हुई काम हो रहा है, पढ़ा हुआ काम, लिखा हुआ काम, पकाया हुआ काम वाक्या होता है। तीनों इस्म इसमें मफूल बिलतरतीब कटना, पढ़ना, लिखना और पकाना मस्तरों से बने, इस लिहाज से ये तीनों इसमें मुश्तक है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद असलम। ठीक है, कटना से कटी हुई, पढ़ना से पढ़ा हुआ, लिखना से लिखा हुआ, पकाना से या पकना से पकाया हुआ, ये तीनों मस्तरों से बने हैं। मस्तर की निशानी मैंने आप लोगों को बताई थी, नून अलिफ होता है आखिर में। तो ये तीनों इसमें मुश्तक की इकसाम। इसमें मफूल वो इस्म है जो किसी ऐसे शख्स की तरफ इशारा करे या जिस पर कोई फेल वाक्या हुआ हो, या किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करे जिस पर कोई काम वाक्या हुआ है। मिसाल के तौर पे देखा हुआ, सुना हुआ। अब इसके बनाने के कवायद क्या है? माजी मुतल्लिक सीगा वाहिद गायब के आखिर में, माजी के जुमले के मुताबिक जो वाहिद और जो गायब हो उसके आखिर में हुआ लगाने से इसमें मफूल बन जाता है। जैसे लिखना से लिखा हुआ, लिखना से लिखा हुआ, पढ़ना से पढ़ा हुआ। क्लियर? लिखना से लिखा हुआ, अब आखिर में हुआ लगाने से इसमें मफूल बन रहा है कि लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, पकाया हुआ, देखा हुआ, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये आपका इसमें मफूल कहलाता है। उर्दू में अरबी के
उर्दू में अरबी के इस्मे मफूल भी इस्तेमाल होते हैं जो मफूल के वजन पर आते हैं। मिसाल के तौर पे मकतूल मतलब कत्ल किया हुआ, मफूल के वजन पर आ रहा है कत्ल किया हुआ उर्दू में मायने से। महकूम हुक्म दिया हुआ। मजलूम वालेकुम अस्सलाम रोशन, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया या जुल्म किया हुआ। ठीक है, तो ये भी आपके जो है इसमें मफूल में आते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसमें हालिया हामिद मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बच्चा रोता हुआ अम्मा के पास आया। नन्नी खेलते खेलते फर्श पर गिर पड़ी। ऊपर की मिसालों में मुस्कुराता रोता हुआ मुस्कुराता हुआ खेलते खेलते ऐसे इस्म हैं जिनसे बिलतरतीब हामिद बच्चा और नन्ही की हालत का पता चलता है। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इसमें हालिया कहते हैं। फिर देखिए ये तीनों इसमें हालिया बिलतरतीब मस्दरों से बने। ये तीनों इसमें हालिया बिलतरतीब मस्दरों से बने। कैसे? देखें मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं कि हामिद मुस्कुराता हुआ है, अलिफ नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ जाएंगे मुस्कुरा हामिद मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, बच्चा रोता हुआ अम्मा के पास आया, नन्ही खेलते खेलते फर्श पर गिर पड़ी। ठीक है, अब आगे देखो। मुस्कुराना से बना है मुस्कुराता, क्योंकि मुस्कुराना मजदर है, नून अलिफ है, तो इससे क्या बना है? मुस्कुराना से मुस्कुराता, रोना से रोता, खेलना से खेलता। इसमें हालिया वो इस्म है जो किसी इस्म की हालत को जाहिर करे। अब इसमें क्या हालत जाहिर कर रहा है? कि मुस्कुरा रहा है, रोता है, खेलता है, वगैरह वगैरह। जैसे और भी नीचे लिखा है कि दौड़ता हुआ, खेलता हुआ, रोता हुआ वगैरह। अब इसके बनाने के कवायद क्या हैं? मस्तर की अलामत ना दूर करके इसकी जगह ता ते ती लगाकर आखिर में हुआ हुए हुई बढ़ा देते हैं। जिसे जैसे रोता हुआ रोते हुए रोती हुई वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें हालिया की निशानी क्या है? कि ना को दूर करके, नून अलिफ ना को दूर करके ता ते ती लगाकर आखिर में हुआ हुए और हुई लगा दें। जैसे रोता हुआ रोते हुए रोती हुई। अब ऊपर के जुमले में देखें क्या लिखा हुआ था? कि हामिद मुस्कुराता हुआ बच्चा रोता हुआ नन्ही खेलते खेलते। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद आपके पास है इसमें मुआवजा। इसमें मुआवजा है क्या?
देखें, इस कपड़े की रंगाई क्या लोगे? मैंने गंदम की पिसवाई अदा कर दी है, देग की पकवाई पर क्या खर्च आया? कपड़े की रंगाई क्या लोगे? मैंने गंदम की पिसवाई अदा कर दी है, देग की पकवाई पर क्या खर्च आया? ऊपर की मिसालों में रंगाई, पिसवाई, पकवाई ऐसे अल्फाज हैं जो उजरत और मुआवजे के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है? जो उजरत और मुआवजे के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इस्म मुआवजा कहते हैं, ठीक है? अब देखें क्या है रंगाई। हम कहते हैं ना कि इस कपड़े की रंगाई क्या लोगे, मतलब इस कपड़े को रंगने के कितने पैसे लोगे या कितनी उजरत लोगे या कितना मुआवजा लोगे। मैंने गंदम की पिसवाई दे दी है, मतलब कि मैंने गंदम की पिसवाई के पैसे दे दिए हैं, गंदम के पिसने के पैसे दे दिए हैं। देग की पकवाई पर क्या खर्च आया, मतलब कि देग के पकने के ऊपर कितना खराज आता है, कितने पैसे खर्च हुए। अब ऐसे अल्फाज हैं जो उजरत और मुआवजा के लिए इस्तेमाल हुए हों। ग्रामर में ऐसे हर इस्म को इसमें मुआवजा कहते हैं। फिर देखिए, तीनों इसमें मुआवजा बिलतरतीब रंगा, पीसना, पकाना मस्तरों से बना है। मस्तर की अलामत ना दूर करके आखिर में हमजा ये बढ़ा देने से इसमें मुआवजा बन जाता है। जैसे पकवाना से पकवाई, रंगना से रंगाई, पिसवाना से पिसवाई वगैरह वगैरह, ठीक है? मैं एक दफा फिर बता दूं कि मस्तर की अलामत नून अलिफ ना दूर करके आखिर में हमजा ये बढ़ा देने से इसमें मुआवजा बन जाता है। पकवाना से पकवाई, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से पिसवाना से पिसवाई और रंगना से रंगाई वगैरह। क्लियर है? आज के लिए इतना ही था। कल इंशाअल्लाह अजीज जो है हम और मजीद चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अब जो है चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो लिहाजा से बहुत सारी चीजें कल आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह अजीज जो है वो पढ़ाई जाएंगी। अब काम को थोड़ा सा जल्दी से कीजिए जाएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी क्योंकि शॉर्ट टर्म है। बाकी आप लोगों की तकरीबन 3 से 4 क्लासेस है मजीद उर्दू की। जी हैदर, बिल्कुल यही होंगे। अच्छा, उमामा, असलम, रोशन, हैदर, कोई सवाल अगर आप लोगों के नाया, क्योंकि अब जो है बाकी आप लोगों की 4 से 5 क्लासेस रहती हैं उर्दू की, तो अब इंशाल्लाह लजीज बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह लजीज आप लोगों के सामने जो है वो पढ़ाई जाएंगी। जी अभी आप लोगों को इंशाल्लाह लजीज जो है 3 से 4 क्लासेस जो आपकी होंगी उसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अल्फाज मुतरादिफ वगैरह और अल्फाज मुहावरे और अल्फाज जमा और ग्रामर की कुछ जो चीजें रहती हैं वो आप लोगों को पढ़ा दूंगा और अल्फाज मुआयने आप लोगों को पढ़ा दूंगा।
जी हैदर, वो भी पढ़ा दूंगा। असल में जो है टाइम थोड़ा सा शॉर्ट मिला मुझे, तो चीजें तो बहुत है पढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़ा सी वक्त की किल्लत है। लेकिन इंशाल्लाह जितना हो सकेगा कवर मैं आप लोगों को कराऊंगा, परेशान ना हो आप लोग। जी बिल्कुल, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह लजीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम जहरा। जहरा आप लेट आई हैं, क्लास का अख्तिताम हो चुका है, अब आई हैं आप। हमने इसमें मुआवजा वगैरह पढ़ा है और इसमें मफूल पड़ा है, आप देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट पे ही जो है इसका जवाब दे दूंगा। कोई भी चीज अगर हैदर, मामा, रोशन, असलम और जहरा वगैरह, आप लोगों को अगर कोई भी चीज मजीद उर्दू ग्रामर के हवाले से समझ में ना आए तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं जो है कमेंट पे ही जवाब दे दिया करूंगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद भी, मतलब ये जो 3 से 4 क्लासेस मजीद आपकी रहती हैं इंशाल्लाह। जी हैदर, इट्स ओके जहरा। हैदर, असलम, रोशन, कोई सवाल आप लोगों का? उमामा, जहरा और अगली क्लास में कल कोशिशें कीजिएगा आप सब लोग के टाइम पे आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कल पढ़नी है, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है तो बहुत सारी चीजें रहनी है। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा इस कम वक्त में भी जो चीजें हैं वो कवर करा सकूं, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल दरपेश ना हो। हैदर देखें कब तक मुतवक्के हैं, क्योंकि अभी तो वैसे ही आपको पता है कोरोना की लहर चल रही है। मैम पॉसिबल थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। हम अपनी तरफ से जो है बिल्कुल प्रिपेयर रहें, तैयारी का मुकम्मल होनी चाहिए जब भी, ताकि वो एग्जाम लें तो हम जो है रेडी रहें। जिस तरह जंग का समय होता है ना, फौजी तैयार रहते हैं, तो हमें भी एग्जाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
जी रोशन, आजकल आप थोड़ा सा लेट आ रहे हैं क्लास में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। जरा वो तो क्लास की जो टाइमिंग है 5 से 6, कल इंशाल्लाह 5:05 पर या फिक्स 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि टाइम पे आ जाए। जारा हैदराबाद से। खत तो वो तहरीरी कागज होता है या वो तहरीर होती है कि जिससे आप किसी दूसरे शख्स से कोई अपने जज्बात, एहसास, पैगामात या कोई जरूरी काम या कोई जरूरी राज वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, सनद, सनद जो है वो डिग्री को कहा जाता है, रसीद जो है वो किसी भी काम के या किसी भी चीज के जो है सबूत को कहा जाता है, और दस्तखत भी जो है सबूत के जुमरे में ही आता है कि जो कि किसी शख्स की निशानदेही। अच्छा रोशन, आपको पता है उर्दू के अंदर सबसे ज्यादा किस शख्सियत के खतूत मशहूर हैं, मतलब खत मशहूर हुए उर्दू अदब के अंदर, जिनकी वजह शोहरत शायरी के साथ साथ खत में भी थी? चलें, सोचिएगा रोशन, ये आपके लिए सवाल है, कल जवाब दीजिएगा इसका। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आगे की जानी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें कल इंशाल्लाह लजीज पढ़ेंगे, और टाइम पे आइएगा आप लोग, ताकि आप लोगों की अब 3-4 क्लासेस हैं, कुछ चीजें मिस ना हो जाए, कुछ चीजें रह ना जाए आप लोगों की। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कवर कराया जाए। ठीक है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह अजीज मैं आप लोगों को मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, अल्फाज मायने, रोजमर्रा और मुहावरे, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज जिद, अल्फाज जमा, ये तमाम आप लोगों को जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, और जो भी चीजें रिलेट करती होंगी सब्जेक्ट के लिहाज से खास तौर पे, के जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे टेस्ट में, इंशाअल्लाह अजीज वो तमाम चीजें हम पढ़ेंगे, तो बेफिक्र रहिएगा इंशाल्लाह अजीज। अब कोशिश ये करके कि किताब के अंदर 3री क्लास से 8वीं क्लास तक जो भी चीजें हमारे सामने होंगी, उसमें जो जो मुसन्निफीन हैं, जो जो शौरा हैं जिन्होंने शायरी लिखी है, नज्म लिखी है, तो उनके तारीख वफायत वगैरह, पैदाइश वगैरह भी हम देखेंगे, और मुख्तसर सा जो है इनके बारे में जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, और खास तौर पे इसके जो मशकी सवालात होते हैं जिसमें अल्फाज जमा, अल्फाज मुतरादिफ वगैरह जो है वो आप लोगों को बताए जाएंगे।
जी जायरा, उमामा ने आपको जवाब बता दिया इसका। असल में बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, तस्वीर इसकी जमा होती है तसावीर, ठीक है, लेकिन हम आम लैंग्वेज में इसको कहते हैं तस्वीरें। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे गलत आम लफ्ज हैं, जैसे हम कहते हैं कि गलती हो गई, असल तलफ्फुज गलती है, ठीक है, असल तलफ्फुज जो है वो गलती है, गलती नहीं है। तो उर्दू के भी बहुत सारे ऐसे तलफ्फुज और अल्फाज हैं कि जो कि हम अपनी आम जिंदगी के अंदर भी गलत बोलते हैं। सहरा, समझ में आ गई? जी ज़रा, आप मजीद इन वीडियोस को देख लीजिएगा, कोई भी अगर आपका कोई सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही जवाब दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल, अगर रोशन, हैदर, आप लोगों का कोई सवाल हो तो लास्ट आखिर के 2-3 मिनट हैं। शोके रोशन, जहरा, शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास का अख्तिताम करते हैं और कल इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, नासिर, अपना ख्याल रखिएगा जी।